Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorem. Aur exercise hai 8.2. Aur exercise 8.2 ka ye part number 4 hai. Fourth lecture hai uska. To pichle part tak humne jo hai question number 7 tak questions humne complete kar liye hain. Ab hum is lecture mein next question यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड सिक्स्थ टर्म यानी कि हमने यहां पर सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है और किसकी सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x की होल पावर 10 इसकी एक्सपेंशन की सिक्स टर्म टोटल टर्म्स कितनी बनती हैं टोटल टर्म्स होंगी यानी कि जो उसकी पावर है इसमें आप एक इंक्रीमेंट कर दें 11 टर्म्स टोटल बनती हैं ठीक है तो 11 टर्म्स में से हमने सिक्स टर्म फाइंड करनी है तो कोई भी स्पेसिफिक टर्म आपने फाइंड करनी हो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो हम कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए आपके पास एक जनरल टर्म होनी चाहिए ठीक है जनरल टर्म किसके इक्वल होती है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर यानी कि एन इस केस में क्या है 10 सी आर इनटू ए पावर यानी कि ए की जगह आप यहां पर एक्स स्क्वायर है ए पावर एन माइनस आर इनटू एक्स एक्स यहां पर -3/2x है -3/2x है और उसकी पावर r होगी ठीक है ncr into a पावर n माइनस r into x पावर r अब यहां पर हमने 6 टर्म फाइंड करनी है जब 6 टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह हम 5 पुट करेंगे तो ये t6 बनेगी ठीक है तो r की जगह हम 5 पुट कर लेते हैं t 5 + 1 is equal to यानी कि r की जगह अब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा 10c5 into x स्क्वायर की पावर 10 माइनस 5 इनटू -3/2x की पावर 5 ये बन जाती है ठीक है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा t6 इज इक्वल टू 10c5 किसके इक्वल होती है आप इसको कैलकुलेट कर लें ठीक है उसके बाद 10 में से 5 तो x स्क्वायर की पावर 5 यानी कि x पावर 10 बन जाएगी ये 10 माइनस 5 आ जाएगा ठीक है उस तरह से आप इसको सॉल्व करें और फिर एंड पे आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं 15309/8 × x^5 ठीक है तो ये है सिक्स टर्म इसकी एक्सपेंशन में ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसकी सिक्स टर्म जो है वो ये बनेगी जो आपके सामने लिखी हुई है इस तरह से कोई भी आप टर्म फाइंड कर सकते हैं 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म ठीक है कोई भी टर्म आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी कि हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x ना हो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि जिसमें x ना हो ठीक है इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस तो इसमें हमें तीन पार्ट्स गिवन है जिसमें से मैं एक पार्ट जो है वो सॉल्व करूंगा ठीक है तो पहले पार्ट पर आते हैं पहले पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है x -2/x की पावर 10 तो इसको इसकी एक्सपेंशन में हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x ना हो ठीक है तो ये भी एक स्पेसिफिक टर्म बन गई ना तो स्पेसिफिक टर्म के लिए हमारे पास जनरल टर्म का होना जरूरी है तो वो होता है tr + 1 इज इक्वल टू ncr 10 है यहां पर इनटू a की जगह x है x पावर n minus r यानी कि 10 minus r into x
एक्स के या टू माइनस टू बाई एक्स है, माइनस टू बाय एक्स पावर आर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, टेन सी आर इंटू एक्स पावर टेन माइनस आर इंटू माइनस टू पावर आर, ये यहाँ पर आएगा माइनस टू पावर आर, ठीक है। और एक्स ऊपर ले आते हैं तो एक्स पावर माइनस आर बन जाएगा, क्योंकि नीचे ये क्या है, एक्स पावर आर है, ठीक है, और ऊपर लेकर आएंगे तो एक्स पावर माइनस आर बन जाएगा। अब हम इसको यानी कि एक्स दो आ रहे हैं तो उसकी पावर्स हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये टेन सी आर बन जाएगा इंटू एक्स पावर टेन माइनस टू आर बन जाएगा, और साथ में माइनस टू पावर आर बन जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स ना हो, मतलब कि यहाँ पर एक्स की पावर ज़ीरो कर दें तो ये एक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म आ जाएगी। तो हम इस ऐसा करते हैं कि सपोज कर लेते हैं लेट टेन माइनस टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, आर फिर क्या बनेगा, माइनस टू आर इज इक्वल टू माइनस टेन, और r इज इक्वल टू टेन बाई टू इज फाइव, मतलब कि r की जगह अगर हम 5 पुट करें तो हमारे पास ऐसी टर्म आती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं टेन सी आर यानी कि टेन सी फाइव इंटू एक्स पावर टेन माइनस टू आर, हमने इक्वल टू ज़ीरो पुट किया हुआ है तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, और साथ में माइनस टू पावर r है, r की जगह 5 पुट करेंगे तो टेन सी फाइव इंटू 10c5 into माइनस टू पावर फाइव, ये टर्म हमारे पास बन जाती है। इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं तो आपके पास आएगा माइनस 8064। ये एक ऐसी टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है। तो बाकी दो पार्ट्स भी आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड होगा, उसके लिए आपके पास जनरल टर्म होना ज़रूरी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, बाकी पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिटरमाइन द मिडिल टर्म और द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। मिडिल टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसमें हमें तीन जो है वो पार्ट्स गिवन है, और तीनों पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है, उसकी एक्सपेंशन की हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहला पार्ट है जिसमें एक्सप्रेशन में गिवन है 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 की होल पावर 12, इसकी एक्सपेंशन की हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि मिडिल टर्म क्या होती है, किस तरह से फाइंड की जाती है किसी भी एक्सपेंशन की, तो उसी मेथड से हम यहाँ पर देखेंगे। देखें यहाँ पर पावर क्या है, n, यानी कि पावर को हम जनरली n से डिनोट करते हैं ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 12 है, ठीक है। तो 12 का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फिर कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन कितनी बनेगी, n प्लस 1 होती हैं, ठीक है, यानी कि 13, 12 प्लस 1 इज 13, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, यानी कि ऑड हैं। जब ऑड हों तो उसमें से एक सिंगल जो है वो मिडिल टर्म बनेगी, तो द सो देयर विल बी सिंगल मिडिल टर्म, वन सिंगल मिडिल टर्म, ये तो हमें चलो पता चल गया कि एक मिडिल टर्म होगी, लेकिन होगी कौन सी, हमने वो फाइंड भी तो करनी है ना। तो उसके लिए जब हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि n बाय टू प्लस वन, n बाय टू प्लस वन टर्म जो होगी ये मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म,
मिडिल टर्म जो है ये वाली टर्म होगी, तो हम n की वैल्यू में पता है 12 बाई 2 प्लस 1 तो इज इक्वल टू ये 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, यानी कि सेवन्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी। और सेवन टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। सेवन टर्म किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें पता है कि कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने के लिए हमें जनरल टर्म चाहिए होती है, यानी कि टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए पावर एन माइनस आर इंटू एक्स पावर आर। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। वन ओवर एक्स ए की जगह आ जाएगा, एन जो है वो है 12 सी आर इंटू ए की जगह वन ओवर एक्स पावर 12 माइनस आर इंटू एक्स की जगह हम देख लेते हैं क्या टर्म मौजूद है, एक्स स्क्वेयर बाय टू, एक्स स्क्वेयर बाय टू की पावर आर इज इक्वल टू टी आर प्लस वन। लेकिन हमने जो है सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए हमें आर जो है वो इज इक्वल टू सिक्स पुट करना होगा। ठीक है, पुट आर इज इक्वल टू सिक्स, तो क्या बनेगा, टी सिक्स प्लस वन यानी कि सेवन टर्म इज इक्वल टू 12 सी सिक्स इंटू वन बाय एक्स पावर 12 माइनस सिक्स और इंटू एक्स स्क्वेयर बाय टू पावर सिक्स। इसको हमने सॉल्व करना है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं हम। ये बन जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 ओवर एक्स की पावर 12 माइनस की यानी 6 बन जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 1 ओवर 64 इंटू एक्स पावर 6 ये बन जाएगा। ठीक है, इसको यानी कि आप सिंप्लीफाई कर लें इनको, 1 ओवर एक्स की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 की पावर 6 इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मज़ीद आप सॉल्व कर लें, आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 231 डिवाइडेड बाय 16 इंटू एक्स पावर 6 बनेगा। ठीक है, तो ये यानी कि हमने सेवन टर्म यहाँ से फाइंड कर ली जो कि मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म इज इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाय 16 एक्स पावर 6, ये मिडिल टर्म हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अगर इवन होता, सपोज चलें कोई ऐसा इनमें से यानी कि पार्ट देखते हैं जिसमें हम कहेंगे कि वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू जब ऑड होगी, अभी तो हमने यहाँ से उस टर्म में से मिडिल टर्म फाइंड की ना, उसकी एक्सपेंशन में फाइंड की जिसमें पावर क्या है, इवन है। अब हम ऑड वाली एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, इसका पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर है टू, पार्ट नंबर टू में एक्सप्रेशन गिवन है 3/2x माइनस 1/3x की पावर 11। अब यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 11 है यानी कि ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन इज इक्वल टू एन प्लस वन यानी कि 11 प्लस वन 12। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उन टर्म्स की मिडिल टर्म कौन सी बनती है, इवन टर्म्स हो तो मिडिल टर्म्स दो बनती हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी होंगी, वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म्स विल बी ट्वेल्व प्लस, बल्कि एन एन प्लस जो है ना, एन प्लस यानी कि 11 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ये वाली टर्म, ये मिडिल टर्म होगी, और दूसरी एंड 11 प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, बल्कि 11 प्लस वन है तो 11 प्लस थ्री ये टर्म जो है मिडिल टर्म बनेगी। ये दोनों टर्म्स मिडिल टर्म होंगी। ठीक है, ये आप फाइंड कर लें, ये
कौन सी बनती है 11 प्लस 1 12 बाय 2 इज सिक्स टर्म और ये 11 प्लस 3 इज 14 14 बाय 2 इज सेवन टर्म। सिक्स और सेवन टर्म जो है इस केस में मेजर टर्म्स बनेगी इन इवन नंबर ऑफ इवन टर्म्स की, ठीक है। तो ये आप खुद से फाइंड करें, सिर्फ मैंने आपको बताना था कि इवन और ऑड में क्या फ़र्क होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है फाइंड 2n प्लस 1th टर्म। ये टर्म हमने फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। एक चीज ये भी है फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। और किसकी एक्सपेंशन? एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाय 2x की पावर 3n, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंशन में हमने 2n प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड, मतलब कि एंड से। सपोज मैं कहता हूँ जी कि ये एक टर्म है जी 1, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। ये पांच टर्म्स हैं, इसमें से आपने जो है थर्ड टर्म फाइंड करनी है या फोर्थ टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। अगर आप शुरू से बात करें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है वो तो इस तरह बनेगी ना 1 2 3 4, चलिए इस तरह से हम फाइंड करेंगे। लेकिन उसमें कहा गया कि फ्रॉम द एंड, ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपने फाइंड करनी हो किस तरह से फाइंड करेंगे 1 2 3 4, ये वाली टर्म बनेगी। मतलब कि आप किस तरह से फिर फाइंड करेंगे अगर आपको टर्म्स गिवन नहीं है? तो हम ये देख लेंगे कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, 5 है, ठीक है। टोटल टर्म्स 5 है, 5 में से आप अगर माइनस कर दें कितनी भी टर्म आपने फाइंड करनी है फोर्थ, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 ये माइनस कर दें, इतनी टर्म्स निकाल दें तो ये हमारे पास आती है, मतलब कि 5 माइनस 3। तो ये किस तरह आया, ये निकाल दें आप तो ये टर्म बन जाती है 5 माइनस 3 2। रिजल्ट में क्या आता है? 2, यानी कि सेकेंड टर्म बनती है। तो सेकेंड ही बन रही है ना, शुरू से आप अगर देखें 1 2 सेकेंड टर्म बन रही है। ये हमें कैसे पता चला? 5 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस, माइनस हमने क्या किया 3 को। 3 क्या है? 3 है जितनवी टर्म हमने एंड से फाइंड करनी है, ठीक है। टर्म फ्रॉम एंड, उसमें से माइनस वन, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे। चलें हम फाइंड करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी इस एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन अगर की जाए? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी 3n प्लस 1। और कितनी टर्म हमें रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 2n प्लस 1th टर्म, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर इसमें से आप एक माइनस कर दें तो 2n बनता है, ठीक है। मतलब कि जो मैंने फार्मूला आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3n प्लस 1, इसमें से आप माइनस करें जितनी भी टर्म आपने फ्रॉम एंड फाइंड करनी है उसमें से एक माइनस कर दें, तो मतलब कि 2n प्लस 1 में से एक माइनस कर दें 2n बनता है, तो 2n बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें कितनी बनती हैं, यहाँ से बन रहा है, इसको अगर सॉल्व करें तो
n plus 1 बनता है from beginning, from beginning required term from beginning. ठीक है, मतलब कि from end हमने find करनी थी, उसको मैंने convert किया पहले from beginning में कि कौन सी term from beginning बनती है, कितनी number of यानी कि उस term number क्या बनता है, term number क्या बनता है शुरू से अगर देखे जाए तो. सपोज अगर ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पांच अगर ये टर्म्स हैं तो फ्रॉम एंड मैंने कहा है कि थर्ड टर्म जो है फ्रॉम एंड, थर्ड फ्रॉम एंड फाइंड करनी है. तो मैं ये पहले देखूंगा कि शुरू से वो कितनी बनती है, फ्रॉम एंड कितनी, कौन सी थर्ड टर्म बनती है, 1 2 3 ये वाली टर्म बनती है. ठीक है, तो मैं शुरू से देखूंगा कि वो कितनी टर्म बनती है, 1 2 3 वो थर्ड ही बनती है. अगर फोर्थ बात की जाए फ्रॉम एंड तो फोर्थ कौन सी बनती है, 1 2 3 4 ये वाली टर्म बनती है. ठीक है, ये नहीं. ठीक है, तो शुरू से फिर मैं देखूंगा कितनी बनती है, 1 2 सेकंड बनती है. ठीक है, तो मैंने पहले देखा कि शुरू से कितनी कितना नंबर बनता है उसका, उस टर्म का, तो वो है n प्लस 1. अब वो n प्लस 1th टर्म मैं फाइंड कर लूँगा. ठीक है, टी एन प्लस 1 मैं फाइंड कर लूँगा, तो वो बनेगा एन सी एन, यहाँ पर क्या है, 3n, यहाँ पर n है. ठीक है, तो 3ncn, r की जगह n यूज़ होगा, x पावर 3n माइनस n इंटू माइनस 1/2 x पावर n. ठीक है, तो अब इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे, उसमें फिर आपके पास आ जाएगा कि वो टर्म कौन सी है. ठीक है, मैंने ये सिर्फ जो आपको मेथड समझाना था इसका, तो आप कोई सा भी, यानी कि आपका नंबर दिया हो 2n+1 है ना, फ्रॉम एंड का है, सिक्स टर्म फ्रॉम एंड का हो या जो भी इस तरह से आपको का हो, तो आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ. तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को भी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो चुका है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे.